वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुणा चक्रवर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जुआलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच जिसका जुआलॉजिकल नेम है हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, लीच जो कि फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है, लीच जो है ब्लड सकिंग एनिमल होता है जो कि भोजन के रूप में रक्त को ग्रहण करता है। इनके यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, तो रेस्पिरेशन को यदि हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रही है। जब हम लीच की बात करते हैं, लीच इसमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, कोई भी विशेष इसमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य करती है। लीच जो है इसमें जब हम बॉडी वॉल की बात की थी तो हमने बताया था आपको कि लीच जो है इसमें क्यूटिकल के ठीक नीचे एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर होती है जो कि हेमर शेप सेल होती हैं, हथौड़े के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि बाहर की ओर चौड़ी होती हैं और भीतर की ओर सक्रिय होती हैं। चूँकि इनके बाहर के सिरे चौड़े होते हैं तो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, लेकिन भीतरी सिरे सक्रिय होने की वजह से इनमें क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंट सेल और हीमोसिलोमिक कैपिलरीज पाई जाती हैं। इन हीमोसिलोमिक सेल कैपिलरीज की वजह से ये एपिडर्मल सेल्स कैसी हो जाती हैं, वैस्कुलर या संवहनी होती हैं और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती हैं। तो ये हीमोसिलोमिक फ्लूइड युक्त ये जो सेल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिनकी वजह से एपिडर्मिस जो होती है एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है और ये मेम्ब्रेन जो होती है रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें कि गैशियस एक्सचेंज होता है, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ जो रेस्पिरेटरी गैसेस हो रहा है वो डिफ्यूज़न मेथड द्वारा हो रहा है। और डिफ्यूज़न ये वो प्रोसेस है जिसमें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में जो होती है पार्टिकल्स जो हैं या गैसेस जो हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती हैं। तो इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो डिफ्यूज़न मेथड द्वारा हो रहा है, गैसेस जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती हैं। हीमोसिलोमिक फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बॉडी की बाहर की ओर निकलता है और जल, चूँकि लीच आपको सभी को पता है कि लीच जो है वो जल में पाई जाती है, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एपिडर्मल सेल्स जो कि है ना एपिडर्मल सेल्स जो कि परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करिए इसके माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर करती है और जो इनटेक ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है इनमें कि मैंने बताया था कि एपिडर्मिस जो होती हैं वे मॉडिफाइड होकर एपिडर्मल ग्लैंड फॉर्म करती हैं, तो इनमें स्लाइमी ग्लैंड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं
और ये स्लाइमी ग्लैंड जो होती हैं, जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, क्या करती हैं, श्लेष्म जो होती हैं वो स्रावित करती हैं, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, और इस म्यूकस की वजह से, म्यूकस जो होती है इसकी प्रेजेंस से क्या होता है, लीच की जो स्किन है वो क्या होती है, नम और लसीली, या जिसे हम कहते हैं मॉइस्ट और स्लाइमी बनी रहती है, जो कि इसका फंक्शन क्या होता है, स्किन को ड्राई होने से रोकती है या प्रिवेंट करती है, है ना। तो एक ये जो होती है स्लाइमी म्यूकस लेयर जो होती है, जो कि त्वचा को सूखने से रोकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, मैंने आपको बताया था कि इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूड जो होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, और हीमोग्लोबिन की क्या होती है, ऑक्सीजन से ग्रेटर एफिनिटी होती है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है, और ये बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जो होती है वो फ्लो करता रहता है। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पर जब हम लीच की बात करते हैं, लीच में क्या होता है, इसमें ब्लड सकिंग एनिमल है, ये जो है दूसरे सेगमेंट वर्म से डिफरेंट होता है, कौन, लीच। लीच जो होता है डिफरेंट जो होता है किससे, सेगमेंट वर्म जो है एनिलीड्स में जो सेगमेंट वर्म पाए जा रहे हैं उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, ब्लड सकिंग एनिमल है, और ये भोजन के रूप में अपने शिकार की बॉडी से, या वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी से ब्लड सक करता है, और इसी के माध्यम से ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये लीच का जो स्पेसिफिक फीचर जो है, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक जो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, बॉडी में एपिडर्मिस जो होती है, जो कि हीमोसिलोमिक फ्लूड, जो कि एपिडर्मिस जो होती है, इनमें क्या होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस में हीमोसिलोमिक कैपिलरीज पाई जाती है, जिनकी वजह से ये क्या होती है, वैस्कुलर हो जाती है और रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, और इनमें ब्लड से ही ये ऑक्सीजन ग्रहण करती है। नेक्स्ट जो होता है लीच का इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जिसके दौरान जो होती है एटीपी फॉर्म होते हैं, जो कि स्टोर रहते हैं, एनर्जी बैंक के रूप में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की कि लीच जो है वो फाइलम एनिलिडा का एनिमल होता है, एनिलिडा जो होते हैं सेगमेंटेड एनिमल होते हैं, लीच जो कि स्पेसिफिक करेक्टर जो है ब्लड सकिंग एनिमल है, इसमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, एपिडर्मिस जो होती है इनके बीच में जो कि एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनमें की हीमोसिलोमिक जो होते हैं कैपिलरीज पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पिगमेंट सेल्स होते हैं जिनकी वजह से जो होती है स्किन जो होती है वो वैस्कुलर हो जाती है, स्लाइमी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और इन स्लाइमी ग्लैंड्स की वजह से क्या होगा, म्यूकस सीक्रेट होगा, और ये त्वचा को या स्किन को क्या आती है, मॉइस्ट बनाए रखती हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न मेथड द्वारा, यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, रेस्पिरेशन जो हो रहा है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रही है, ये प्रोसेस जो होती है डिफ्यूज़न मेथड द्वारा हो रही है, और ये डिफ्यूज़न मेथड जो होती है जिसमें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट, गैशियस जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। तो लीच जो है इसमें इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।